जो व्यक्ति बेबी को नहीं कर पाते हैं उनके लिए किया जाता है, और किस लिए किया जाता है, बेबी को जन्म देने के। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इस तकनीक का प्रयोग नपुंसक व्यक्तियों में संतति को जन्म देने के लिए किया जाता है, अर्थात उनको संतति के प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आर्ट है, आर्ट की कई तकनीकियां हैं, तो हम उनकी कुछ बात करते हैं। तो पहला है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तो दोस्तों पहला है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, तो पहले हम इसको देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार करने के लिए हम करते हैं IVF का सहारा लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों, IVF का सहारा लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर विट्रो जो शब्द आया है, इसका मतलब क्या है कि जो जीव व्यक्ति है, जीव व्यक्ति से बाहर, जो सजीव व्यक्ति है उससे बाहर कोई प्रक्रिया करवाई जा रही है, कौन सी, फर्टिलाइजेशन, तब तो हम उसको बोलेंगे IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब IVF में होता क्या है, इसमें क्या होता है, प्रयोगशाला में एक पेट्री डिश लेते हैं। दोस्तों आप लोग क्या लेबोरेटरी में देखे होंगे, पेट्री डिश कुछ इस टाइप की होती है। तो दोस्तों एक पेट्री डिश लेते हैं, और उसमें किसी दाता फीमेल के ओवम को निकाल कर रख लेते हैं, दो चार ओवम को यहाँ पर क्या रख देते हैं, इसमें डाल देते हैं। अब दोस्तों कि बहुत सारे मेल और फीमेल ऐसे होते हैं, जैसे फीमेल है तो उनमें ओवम का प्रोडक्शन नहीं होता, या ओवम का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, या वो प्रेगनेंसी कंसीव करने में असमर्थ है, उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उनमें इन तकनीकों का सहारा लिया जाता है। और जैसे पुरुष है उसमें क्या होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, और क्या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और क्या हार्मोनल प्रॉब्लम, या किसी कारणवश जैसे कि टेस्टिस में चोट लग जाए, और या स्पर्म काउंट लो आए, या एज अगर क्या ज्यादा एज के व्यक्ति हो जाते हैं तो उनमें क्या स्पर्म काउंट लो हो जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, बताया गया है कि एक फर्टाइल व्यक्ति होने के लिए उनमें शुक्राणुओं की संख्या, एक इजाकुलेशन में शुक्राणुओं की संख्या 300 से 400 मिलियन होनी चाहिए, 200 से 300 से 400 मिलियन होनी चाहिए। अगर उनसे कम है तो वो व्यक्ति इनफर्टाइल माना जाता है, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले क्या है, पेट्री डिश में हम क्या ले लेते हैं, ओवम को, अंडाणु को ला देते हैं। फिर उसके बाद दाता व्यक्ति से हम कलेक्ट करते हैं क्या, स्पर्म को, शुक्राणु को हम क्या कलेक्ट करते हैं, और शुक्राणु को इसके अंदर हम डाल देंगे। अब दोस्तों मैंने शुक्राणु को यहां पर डाल दिया, तो अब यहां पर क्या हो गया, ये शुक्राणु अंडाणु को यहां पर क्या करेंगे, फर्टिलाइज, क्योंकि अब यहां पर तो शुक्राणु को फर्टिलाइजेशन से रोकने वाला कोई है नहीं कि इसको रोक सके। तो दोस्तों अब यहां पर क्या होगा, शुक्राणु अंडाणु से मिलेगा तो यहां पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। और एक बात को ध्यान में रखना है दोस्तों, जो IVF किया जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाता है, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में जो मीडियम होता है, या जैसे कि यूटरस में जो मीडियम होता है, जो टेम्परेचर और क्या जो वहां पर लिक्विडिटी और जो उसका एनवायरमेंट होता है, हार्मोनल जो होती है, हार्मोन्स की जो बैलेंसी होती है, सभी को ध्यान में रख करके यहाँ पर क्या फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। तो दोस्तों इस तकनीक को क्या कहते हैं, हम कहते हैं दोस्तों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो दोस्तों हमने यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का किया। अब फर्टिलाइजेशन करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में क्या होता है, यहाँ पर क्या करते हैं, हम इम्ब्रियो ट्रांसफर करते। तो दोस्तों ये हुआ IVF। अब दोस्तों ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, इसमें क्या किया जाता है कि पहले क्या हम एक कल्चर डिस्क या पेट्री डिस्क लेते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या दोस्तों, कल्चर डिस्क, या हम इसको बोलते हैं दोस्तों पेट्री डिस्क। अब कल्चर डिस्क या पेट्री डिस्क में हम क्या फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो इसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, IVF कहा जाता है। और IVF जिस तकनीक के अंतर्गत आती है, हम उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। अब दोस्तों यहां पर फर्टिलाइजेशन हो गया, अब यहां पर क्या बन जाएगा, जायगोट। अब इसका क्या होगा फर्टिलाइजेशन, तो अब बनेगा क्या, जायगोट। अब जायगोट बनेगा तो दोस्तों यहां पर मैं बात कर दूं, तो इनमें क्या होगा, कोशिका विभाजन होने लगेगा। क्या होने लगेगा दोस्तों, कोशिका विभाजन। अब जब कोशिका विभाजन होने लगेगा तो यहां पर
एक तो जायगोट बन गया, जायगोट। अब इससे जब ज्यादा कोश क्या होंगी, अप टू, मैं बात करूं अप टू मतलब लगभग क्या 8 कोश कैन होनी चाहिए। कितनी? मैक्सिमम 8 कोश कैन। अगर अप 8 सेल्स अगर हैं तब हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर कर देते हैं किसमें, यूटरस में। कहां पर दोस्तों? यूटरस में। मतलब कोई फीमेल है और फीमेल में क्या, मैं बात करूं यूटरस एक वजाइना होता है दोस्तों। बस यहां पर आप लोग थोड़ा सा समझना कि ये मान चलिए क्या फेलोपियन ट्यूब हो गई है। तो दोस्तों अब यहां पर क्या यूटरस वाल है, यूटरस वाल है। अब हम क्या करते हैं, जब ए जायगोट बन के तैयार हो गया है या क्या हो गया है दोस्तों, ए 8 कोश की या 8 ब्लास्टोमियर, क्या दोस्तों हम इसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर, क्योंकि जब भ्रूण का डेवलपमेंट होता है तो क्या कोशिका विभाजन होता रहता है, लगातार कोशिका विभाजन होता है, उसको क्या हम बोलते हैं, कुछ पुटियाएं बनती रहती है, इसको ब्लास्टोमियर कहते हैं। तो ए 8 ब्लास्टोमियर तक की कोशिकाओं को ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है ट्यूब के माध्यम से यहां पर यूटरस में। कहां पर दोस्तों? इस यूटरस में ट्रांसफर किया जाता है ताकि यूटरस से क्या जुड़ सके ये। अब दोस्तों जब ये यहां से आकर के यहां पर इम्प्लांट कर दिया जाता है तो अब हम देखते हैं एक ट्यूब के माध्यम से इसको यहां से ट्रांसफर किया जाता है इस तरीके से। तो हम बात करते हैं इसके अंतर्गत दोस्तों अब एक क्या बनेगा, इम्ब्रियो। क्या बनेगा? इम्ब्रियो। अब एक क्या बनेगा, भ्रूण। और भ्रूण का क्या होगा, जन्म। तो दोस्तों इस इम्ब्रियो को, इंद्रियों को बनाने के लिए 8 कोशिकाएं बहुत ही काफी है। तो दोस्तों इंद्रियों को ट्रांसफर किया जा रहा है गर्भाशय में, तो इस तकनीक को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इंद्रियो ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? इंद्रियो, इंद्रियो ट्रांसफर। तो बच्चों मैंने पहले से आपको बता दिया ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहली चीज क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, IVF करते हैं। मतलब क्या, किसी दाता व्यक्ति के शुक्राणु और फीमेल के अंडाणु को लेकर के एक कल्चर डिस्क में हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। तो दोस्तों आप लोग कहोगे सर IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, तो दोस्तों टेस्ट ट्यूब बेबी एक प्रोग्राम है और जिसके अंतर्गत की एक तकनीकी है, जो फर्टिलाइजेशन करवाने वाली तकनीकी है, वो क्या है, IVF। ठीक है, अब IVF में मैंने बताया कि यहाँ पर क्या, एक कल्चर डिस्क में हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। सारे मीडियम में प्रोवाइड करता हूँ, जैसे कि यूटरस में होता है नेचुरल मीडियम होता है, वैसे मीडियम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, माध्यम प्रोवाइड करते हैं। और एक बात आपको ध्यान में रखना है, ये क्या होता है, शरीर से बाहर होता है। तो दोस्तों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन शरीर से बाहर होता है। अब यहां से जब जायगोट बन गया है, अब जायगोट तो शरीर के बाहर है, अब कंप्लीट यहां तो बेबी बनेगा नहीं। अब इस जायगोट को ट्रांसफर किया जाता है गर्भाशय में, इस जायगोट को ट्रांसफर किया जाता है गर्भाशय में, और गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है तो ये बनेगा इम्ब्रियो। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इम्ब्रियो ट्रांसफर। क्या कहते हैं? इम्ब्रियो ट्रांसफर। अब देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्या क्या होता है। तो इम्ब्रियो ट्रांसफर में क्या होता है, हम पहले बात करते हैं जिप्ट। क्या होता है? जिप्ट। अब इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो दोस्तों यहां पर एक बात और आप ध्यान में रखना कि अगर मैं कह रहा हूं जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, तो इसका मतलब यह नहीं है कि केवल जायगोट अवस्था में, मतलब केवल दुगुड़ित अवस्था में ही इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। नहीं, जायगोट से लेकर के अगर ये लगभग 8 कोशिके तक की संरचना है तब इसको ट्रांसफर किया जाता है अगर यूटेरस में, तब तक उसको क्या बोला जाता है, जिप्ट ही बोला जाता है, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो दोस्तों अब आपको देखा जा रहा है ये कहां पर ट्रांसफर किया जा रहा है, गर्भाशय के फैलोपियन ट्यूब में। कहां पर किया जा रहा है? फैलोपियन ट्यूब में। कब तक? जब क्या 8 कोशिकाओं तक है। क्या है? 8 ब्लास्टोमियर है। कितना? 8 ब्लास्टोमियर है तब। तब कहां पर किया जा रहा है? फैलोपियन ट्यूब में। तो हम उसको बोलते हैं क्या दोस्तों, इसको यहां पर छोड़ा जाएगा तो इसको बोलते हैं हम क्या, जिप्ट जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब उसके बाद की बात करते हैं, एक होता है IUT। क्या होता है दोस्तों? IUT। तो IUT का मैं फुल फॉर्म यहां पर लिख रहा हूं, आप लोग लिख लेना। इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है, अंतः गर्भाशय स्थानांतरण होता है। अब अंतः गर्भाशय स्थानांतरण में क्या होता है कि
हम जो भ्रूण है अब 8 कोशिका से अधिक, अगर 8 कोशिका से अधिक संख्या में कोशिकाएं बन गई हैं, तब हम इसको स्थानांतरित करते हैं गर्भाशय में। कहां पर करते हैं? गर्भाशय में, यहां पर इम्प्लांट करते हैं। तो इस तकनीक को बोला जाता है इंट्रायूटराइन ट्रांसफर। तो दोस्तों इंट्रायूटराइन ट्रांसफर आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहां पर हमने बात की क्या जिप्ट और क्या आईयूटी और क्या ईटी, इम्ब्रियो ट्रांसफर की दो तकनीकें, एक क्या है जिप्ट है और दूसरा क्या है आईयूटी। 8 कोशिकाओं तक के भ्रूण को अगर स्थानांतरित किया जाता है तो जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। अगर क्या उससे ज्यादा कोशिका भी हो गई तो उसको आईयूटी इंट्रायूटराइन ट्रांसफर कहते हैं। अब हम उसके बाद की बात करते हैं, एक तकनीक है जो सरोगेट मदर है। क्या है दोस्तों? सरोगेट मदर। अब सरोगेट मदर क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है कि ये जो इम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जा रहा है, अगर कोई स्त्री है, कोई कपल है, अगर उन्हीं के अंडाणु को, उन्हीं के शुक्राणु, मतलब एक कपल है उसकी फीमेल से अंडाणु को लिया गया और उसके मेल से शुक्राणु को लिया गया और उसको फर्टिलाइज करके अगर क्या यहां पर स्थानांतरित किया गया दोस्तों, तो उसी फीमेल में अगर किया गया तो हम उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बीबी के सहारा लेकर के आईवीएफ हम कर रहे हैं, ये चीज सही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर कोई फीमेल है और मेल है, उनके ओम और स्पर्म को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया गया टेस्ट ट्यूब बेबी को, फिर उसको स्थानांतरित किया गया किसी अन्य कोई स्त्री में, किसी अन्य स्त्री में किया गया कि जो क्या उनसे अलग है। अब उसमें क्या होता है दोस्तों, अब वो बेबी उस स्त्री के गर्भ में पलता है, उस स्त्री के गर्भ में पलता है और जब बेबी का जन्म हो जाता है तो उसके कुछ महीने बाद जो व्यक्ति अपना शुक्राणु और क्या अंडाणु जो फीमेल दी थी वो उसको वहां से प्राप्त कर लेते हैं अपने बेबी को। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि जो स्त्री दूसरे के अंदर जो स्थानांतरित की जा रहा है, वो स्त्री उस बेबी को सिर्फ जन्म देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है बस, मतलब वो 9 मंथ के लिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके अंदर बेबी का डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद जन्म होता है, तो कुछ दिन बाद क्या आफ्टर फीडिंग वो क्या प्रोवाइड कर देती है उस बेबी को, उस व्यक्ति को जिसने क्या उसमें इम्प्लांटेशन करवाया था। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो सरोगेट मदर को वर्क करती है उनको काफी पैसे भी मिल जाते हैं और क्या, और जो मतलब कि बहुत सारी फीमेल हैं, जैसे कि आज हम बात करें हमारे यहाँ बहुत सारे एक्टर्स हैं, तो वो अपने बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखने के लिए बेबी को जन्म खुद से नहीं करते, वो क्या सरोगेट मदर वाली टेक्निक का सहारा लेती है। तो ये उनको उनके अंदर क्या इम्प्लांटेशन करवाते हैं और बेबी होने के बाद उनसे क्या प्राप्त कर लेते हैं। अब दोस्तों मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इन्हों क्या सरोगेट मदर या जेनेटिक मदर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जेनेटिक मदर भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो एक क्या होता है सरोगेट मदर, तो बहुत ज्यादा क्या हार्ड नहीं है, सरोगेट मदर भी बड़ा ही आसान टॉपिक था, ये हो गया। अब थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं दोस्तों टेस्ट ट्यूब बेबी सर्वप्रथम तैयार कहां पर किया गया था। तो टेस्ट ट्यूब बेबी सर्वप्रथम इंग्लैंड में, कहां पर दोस्तों? इंग्लैंड में तैयार किया गया था 25 जुलाई। तो दोस्तों 25 दिन बता दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 25 जुलाई 1978 को एक बेबी का जन्म हुआ और क्या था वो? गर्ल थी, लड़की थी, और जिसका नाम क्या था दोस्तों? जिसका नाम था लोइस जॉय ब्राउन। क्या था दोस्तों? लोइस जॉय ब्राउन। ये पहली लड़की थी जिसको टेस्ट ट्यूब के प्रोग्राम के तहत उसका जन्म कराया गया था। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो जिनको पता नहीं टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता, तो वो सोचते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसके अंदर बच्चे को जन्म करवाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट ट्यूब बेबी एक प्रोग्राम है जिसमें क्या आईवीएफ के सहारे हम क्या बेबी को जन्म करवाते हैं। तो हमारे मेडिकल में ये तकनीकियां अवेलेबल है। तो दोस्तों इंग्लैंड में 1978 में 25 जुलाई को एक गर्ल का जन्म कराया गया, किसके थ्रू? आईवीएफ के थ्रू, और उस लड़की का नाम क्या था? लोइस जॉय ब्राउन, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों ये टेक्निक क्या अमेरिका में, यूएसए में, उसके अलावा चीन में, और साथ ही साथ हमारे इंडिया में भी इस तकनीक का डेवलपमेंट हुआ। तो हमारे इंडिया में मुंबई में KEM मेडिकल कॉलेज
KEM मेडिकल हॉस्पिटल जो है वहां पर क्या है, इसका टेस्ट बेबी द्वारा का एक बेबी को जन्म कराया गया और मैं उसका नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। उसका नाम था भैया, पहले क्या इंडिया लिखे ना, इंडिया मुंबई में, मुंबई मुंबई की एक हॉस्पिटल है दोस्तों, क्या है इंडिया मुंबई में हॉस्पिटल का नाम मैं बता दे रहा हूँ, KEM हॉस्पिटल। वहां पर क्या है दोस्तों, KEM हॉस्पिटल में वहां पर क्या जन्म करवाया गया था एक बेबी का, जिसका नाम था कुम हर्षा। और मैं बात करूं, इसका जन्म हुआ था 6 अगस्त 1986 में। कब हुआ था दोस्तों, 6 अगस्त 1986 में इसका जन्म हुआ था कुम हर्षा का। एक नाम क्या था, KEM हॉस्पिटल, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि जिस डॉक्टर ने इसका जन्म करवाया था, जिस जो डॉक्टर इसे प्रयोग कर रहे थे, अगर उनका भी नाम आप जानना चाहते हो तो आप क्या उनका नाम भी जान सकते हो। उनका नाम क्या था, इंदिरा हिंदुजा। तो दोस्तों क्या नाम था उनका, डॉक्टर का जो नाम था वो था डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा। डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा ने इंडिया में कुम हर्षा नामक बच्चे का 6 अगस्त 1986 में टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के तहत उसका जन्म करवाया था। तो दोस्तों यहां पर जो क्या हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी वाला प्रोग्राम था ये तो खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं आगे AIT, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। तो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक क्या होती है दोस्तों, इसका प्रयोग किया जाता है ऐसे व्यक्ति में, ऐसे कपल में जिसमें मेल जो है उसमें क्या होता है दोस्तों, या तो उसके में क्या हो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, या उस व्यक्ति के स्पर्म काउंट, उस व्यक्ति के इजैकुलेशन में स्पर्म काउंट बहुत लो हो। तो हम यहां पर लिख देते हैं इस टेक्निक का यूज कहां पर किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्या, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, लो स्पर्म काउंट। अगर क्या शुक्राणु संख्या इजैकुलेशन में कम है तब भी क्या इस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, इनमें क्या होता है, जो पेनिस होता है दोस्तों वो इरेक्ट नहीं होता है, उनमें जो मसल्स होती हैं उनमें किसी फाउंडेशन कारण क्या वो इरेक्ट नहीं होता है। और इसका मेन जो मेजर कॉज होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस। बहुत सारे व्यक्ति ऑफिस में ज्यादा वर्क करते हैं और क्या उनको बहुत सारे तनाव रहते हैं, तो उनमें क्या होता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, जिसमें क्या उनका पेनिस इरेक्ट नहीं होता है। अगर पेनिस इरेक्ट नहीं होता है तो क्या फीमेल की वजाना में इंसर्ट नहीं हो सकता और वहां पर इजैकुलेशन नहीं होगा। तो इसमें भी इस तकनीक का यूज किया जाता है। और क्या होता है दोस्तों, लो स्पर्म काउंट। अगर क्या स्पर्म काउंट कम है तब भी क्या स्पर्म वहां पर फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रॉब्लम में हम AIT का सहारा लेते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तकनीक। जहां तक है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से, इंसेमिनेशन मतलब वीर्यसेचन तकनीक, कृत्रिम रूप से वीर्यसेचन तकनीक का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम कृत्रिम रूप से क्या करते हैं, वीर्य को फीमेल के वजाना में स्थानांतरित करते हैं। तो हम यहां पर देखते हैं क्या होता है कि हम इसमें क्या करेंगे, कोई भी डोनर हम मतलब कि यह तो हम बात करेंगे कोई भी जो उसका हस्बैंड होगा, कोई फीमेल का क्या होगा, हस्बैंड, या हम अगर कोई हस्बैंड है ठीक, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर मतलब कपल है, अगर वो चाहते हैं कि मतलब बेबी चाहते हैं अच्छे से, तो वो क्या चाहते हैं कि वो ले सकते हैं एक हेल्दी डोनर के सीमेन। जैसे कोई मेल और फीमेल है उसमें क्या करेंगे, हस्बैंड के, या कोई हेल्दी डोनर है जिसके सीमेन को कलेक्ट करके और उसको स्थानांतरित करेंगे कहां पर, फीमेल
फीमेल के वजाइना में, कहां पर दोस्तों, फीमेल के वजाइना में इसको स्थानांतरित करेंगे तो इससे क्या होगा, जब क्या सीमेन अगर वहां पर स्थानांतरित हुआ है तो अब वहां पर स्पर्म पहुंच गए और स्पर्म क्या कर सकते हैं, वहां पर फर्टिलाइजेशन करके जायगोट बनाएंगे और जायगोट के बाद के मार्बला ब्लास्टुला गैस्ट्रा, फिर उसके बाद क्या हो बेबी वहां पर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं बात करता हूं तो यहां पर भी क्या किया जा रहा है कि सीमेन, यहां पर क्या किया जा रहा है, सीमेन का स्थानांतरण करवाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है दोस्तों, सीमेन का स्थानांतरण करवाया जा रहा है। तो यहां पर भी उसी तकनीक का यूज किया जाता है, IUT, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। क्या दोस्तों, IUT, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर में पीछे जो बात की गई वहां पर क्या किया जाता है, अगर क्या 8 से अधिक कोशिकाओं का क्या भ्रूण है तो उसको स्थानांतरित किया जाता था गर्भाशय में। और यहां पर क्या है कि जब क्या सीमेन है, सीमेन को स्थानांतरित किया जा रहा है कहां पर, वजाइना या गर्भाशय में। तो दोस्तों इसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। आज क्या इस टेक्निक का यूज सबसे ज्यादा हो रहा है जानवरों में, जिसमें क्या होता है दोस्तों, वो क्या जो डॉक्टर आते हैं वो क्या सीमेन को एक ट्यूब होती है उसके अंदर क्या रखा रहता है और उसको क्या एक डिब्बा रहता है उसमें प्रिजर्व करके रख देते हैं और डॉक्टर आता है बस उसको निकालता है और क्या फीमेल जो क्या फीमेल पशु होते हैं उनमें क्या वो इंसर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों वैसी टेक्निक क्या अवेलेबल है क्या मनुष्यों के लिए भी, जो क्या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक के थ्रू क्या किया जाता है कि किसी हेल्दी व्यक्ति को या आप मतलब कोई फीमेल है उसके हस्बैंड को, हस्बैंड के सीमेन को कलेक्ट करके उनकी वजाइना या यूटरस में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो दोस्तों ई वाली टेक्निक हो गई, अब बच्ची क्या है गिफ्ट। ये टेक्निक है, ये टेक्निक उन स्त्रियों के लिए है, ये टेक्निक उन स्त्रियों के लिए है जो क्या मतलब कि उनमें बेबी को डेवलप करने की क्षमता है, उनके अंदर फैलोपियन ट्यूब ठीक है, उनमें क्या इम्प्लांटेशन आसानी से फर्टिलाइजेशन हो सकता है, लेकिन उनमें जो ओवम का डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रहा है, अंडाणुओं का विकास नहीं हो रहा है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम से या कोई सिस्ट हो तो ओवरी में, जिसकी वजह से क्या ओवम का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उनमें क्या हम कौन सी टेक्निक का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, गिफ्ट का। क्या करते हैं दोस्तों, गिफ्ट का। तो हम क्या करेंगे इसमें, उस स्त्री में क्या करेंगे, अगर कोई वो स्त्री है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उस स्त्री के ओवम को प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर क्या होती है ओवरी, तो दोस्तों मैं क्या कहूंगा यहां पर क्या किया जाता है, कुछ हार्मोन्स का इंजेक्शन इस ओवरी में दे दिया जाएगा जिससे क्या होने लगेगा, ओवम का प्रोडक्शन होगा। अब दोस्तों अगर ये ओवम यहां से यहां पर नहीं हो पा रहा है तो इसके ओवम को कलेक्ट कर लेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, डॉक्टर क्या इस ओवम को कलेक्ट करेगा और इस ओवम को स्थानांतरित कर देगा कहां पर, फैलोपियन ट्यूब में। कहां पर कर दिया गया दोस्तों, फैलोपियन ट्यूब में, या दोस्तों फीमेल और मेल के ओवम को कहां पर स्थानांतरित कर दिया है, फीमेल और के फीमेल के ओवम और मेल के स्पर्म को स्थानांतरित कर दिया है फैलोपियन ट्यूब में, वहां पर क्या होगा फर्टिलाइजेशन। इसमें भी दोस्तों उसी स्त्री के ओवम को भी स्थानांतरित किया जा सकता है, उसी स्त्री के अलावा कोई डोनर स्त्री है उसके भी ओवम को कलेक्ट करके यहाँ पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या स्थानांतरित करके यहाँ पर क्या होगा फर्टिलाइजेशन, तो स्पर्म को यहाँ पर स्थानांतरित करके यहाँ पर क्या होगा फर्टिलाइजेशन और क्या बाद में प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो दोस्तों और जो ओवम का स्थानांतरित किया जा रहा है, ओवम एक क्या है फीमेल गैमिट है, क्या है दोस्तों फीमेल गैमिट है, तो दोस्तों फीमेल गैमिट है, तो सिंपल सी बात है गैमिट को स्थानांतरित किया जा रहा है तो इसका नाम क्या होगा, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या होता है दोस्तों, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो ये टेक्निक भी क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर यहां पर किया जाता है। मैं आपको और बता दूं दोस्तों, गिफ्ट और जिफ्ट में बहुत ही क्या अंतर पूछे जाते हैं, जिफ्ट और गिफ्ट में अंतर पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको तैयार करके रखना है। जैसा कि मैंने भी शुरुआत में जिफ्ट को मैंने पढ़ाया है जिसको क्या जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। तो दोस्तों ये चीज होगी, अब बच्ची क्या हमारा ICSI, इसमें हम क्या करते हैं, इसका नाम होता है ICSI का फुल फॉर्म हम लिख देते हैं ICSI,
इंट्रा सेलुलर स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो ओवम होता है, ओवम के अंदर इसका गुणसूत्र है दोस्तों, इसमें क्या होता है ओवम के अंदर डायरेक्टली, ओवम के अंदर डायरेक्टली एक इंजेक्शन के माध्यम से क्या करेंगे दोस्तों, ओवम के अंदर डायरेक्टली एक इंजेक्शन के माध्यम से इंसर्ट कर दिया जाएगा क्या स्पर्म, किसको स्पर्म को, इंजेक्शन के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से स्पर्म को डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाएगा कहां पर, ओवम के अंदर। तो इस टेक्निक को कहा जाता है इंट्रासेलुलर स्पर्म इंजेक्शन। क्या कहा जाता है, इंट्रासेलुलर स्पर्म इंजेक्शन, मतलब क्या इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म को डायरेक्ट अंडाणु के अंदर पहुंचा दिया जाता है जहां पर क्या फर्टिलाइजेशन क्रिया संपन्न हो जाती है। तो दोस्तों मैं जो बात करने वाला हूँ यहाँ पर जितना क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ समय जो मैंने आर्ट की बात की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और मैं बात करूँ दोस्तों अगर क्या बहुत सारे क्वेश्चन नहीं, ज्यादा नंबर नहीं, लेकिन क्या एक दो क्वेश्चन जो जरूर पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, 100% तो श्योर है कि इससे एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर आप क्या, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों और क्या अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और क्या दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अगर कोई कमी हो तो उसको क्या आप कमेंट में लिख कर भेजें, और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, अगर भी क्या एग्जाम क्या 27 फरवरी को बायोलॉजी का, तब तक क्या आप कोई भी टॉपिक हमसे पढ़ सकते हो। तो दोस्तों जो टॉपिक आपको हार्ड लग रहा हो या आपको जो लग रहा हो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कमेंट में मेंशन कीजिए दोस्तों, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।